बड़ी खुशी की बात है कि आज जो कम सीख रहे थे उनके कंधे पर बहुजन आंदोलन आज हमारे कंधे पर है और इस आंदोलन को कितने ईमानदारी के साथ समर्पित भाव से हम आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कार्यकाल के लोगों को देखें, जो संतुक महापुरुषों के द्वारा चलाया गया आंदोलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर सर्वनाश कर दिया गया है, जिसको भी मंत्र के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी परम सम्माननीय बड़े भाई लोग चंद्रशेखर आजाद जी अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर के पूरे ईमानदारी के साथ आज पूरे देश में हो रहे अन्याय अत्याचार जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत आप और हम सबको जिम्मेदारी दिया गया है। उस जिम्मेदारी के साथ मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, जहाँ पर बहुजन नायक साहब कांशीराम जी अपने जीवन का प्रथम राजनीतिक सफर शुरू किया था सन 1984 में छत्तीसगढ़ के सरजमी पर ग्राम पंचायत छिंद में सन 81 में पहुंचे थे और उस छिंद गांव से बगल मेरे गांव है भरभाटा, मैं वहां से आया हूं और मैं जब से बहुजन आंदोलन को समझा अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर के अपने पूरी जिम्मेदारी अपने पूरी जीवन को लगा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का मैंने संकल्प लिया है। साथियों, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारा बहुत हो गया। अब हमें संकल्पित होकर के संकल्प लेकर के इस आंदोलन को गांव गांव तक पहुंचाना है और बहुजन नायक साहब कांशीराम जी के द्वारा देखा गया सपना, बाबा साहब के द्वारा देखा गया सपना, उसको साकार करने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होकर के गांव गांव को जोड़ना पड़ेगा, आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा और देश की राजधानी दिल्ली में माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा और जो साथी आप अपने अपने राज्यों में पूरी तरह से संकल्पित होकर के भूखे प्यासे न करके तरह तरह के आलोचना झेल करके अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है और तमाम जिला अध्यक्षों को संभाग अध्यक्षों को उनके उनके क्षेत्र का जिम्मेदारी दे करके उनको राष्ट्र समाज पार्टी से चुन करके विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजना है। तभी आपके द्वारा किया जा रहा है संघर्ष, आपके द्वारा किया जा रहा मेहनत अमली जमा पाने का, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को एक बार पुनः आजाद समाज पार्टी का प्रथम अधिवेशन एवं तीसरा स्थापना दिवस का बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय।